अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं होममेड क्रीम चीज़, जो इंतहाई सॉफ्ट है और बहुत अच्छे स्मूथ टेक्सचर के साथ घर में बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है, यानी कि सीव, और नीचे एक लिया है बाउल। बाउल जो है वो थोड़ा सा छन्नी से बड़ा होना चाहिए डायमीटर में, ताकि हमारी जो छन्नी है वो ऊपर उसके फंस जाए, ठीक है, नीचे ना जाए, ताकि थोड़ी सी जो जगह है, देखिए मैं उठा के दिखाती हूँ, थोड़ी सी जगह कम से कम 2 इंच की बीच में हो, यानी कि छन्नी हमारी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। इसमें मैंने एक डबल करके मैंने मलमल का कपड़ा, जिसे गॉज पीस भी कहते हैं, वो बिछा लिया है, ज़रा बड़ा पीस होना चाहिए। उसके अंदर मैंने 1 किलो दही डाल दिया है। घर में बना लें दही या बाज़ार से मंगवा लें, दोनों चलेंगी। उसके बाद इस क्लॉथ को मैंने इकट्ठा करके टाई कर दिया रबर बैंड से, आप चाहें तो धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैंने इसको उठाया है और ये देखें पानी जो है दही का नीचे निकलना शुरू हो गया है, और ये पानी जो है हमारे नीचे बाउल में जमा होता जाएगा छन्नी से निकल के। इसको मैं, ये देखें नीचे हमारा पानी जमा हो रहा है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहे तो बाहर बेशक पड़ा रहने दें कुछ देर के लिए। आधे घंटे बाद इसमें जो पानी जमा होगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उसे मैं गिरा दूंगी। बिल्कुल ऐसे ही हमने इसका अच्छे से पानी खुश्क होने तक वेट करना है, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो आधे घंटे बाद आपने इसका पानी चेंज करना है, फिर हम 2 घंटे बाद चेंज करेंगे, फिर 4 घंटे बाद। ये देखें आधा घंटा हो गया है, पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो इस पानी को मैं गिरा रही हूँ, ये देखें मैंने पानी को गिरा दिया है सिंक में, और अब मैं वापस छन्नी को इसमें रख दूँगी और फिर हम वेट करेंगे। और फिर 2 घंटे बाद, ये देखिए पानी अभी भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, 2 घंटे बाद, ये देखें 2 घंटे बाद मैं इसे दोबारा देखूंगी और पानी जो निकला होगा वो गिरा दूंगी। 2 घंटे हो गए हैं, ये देखें अभी भी पानी इकट्ठा हो चुका है। तो इस पानी को मैं गिरा दूंगी सिंक में। ये मैंने पानी गिरा दिया, अब मैं इसे 4 घंटे के लिए रख दूंगी और फिर इसी तरह इसका पानी गिरा दूंगी, और फिर हम अगले दिन का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए अब आफ्टर 1 फुल डे, यानी कि ओवरनाइट के बाद हमारा कितना पानी इकट्ठा हुआ है, पानी बहुत थोड़ा इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी पानी गिरा चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो दही है उसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसका जो रबर बैंड है इसको कट कर दूंगी, और फिर हम इस मलमल के कपड़े को खोल लेंगे। और ये देखें मैं खोल रही हूँ उसको, तो आप देखेंगे कि जब हम इसको खोलेंगे तो जो अंदर जो बचा होगा दही, वो ही है हमारा क्रीम चीज़, जो कि बाज़ार में हमें बहुत महंगा मिलता है और अक्सर इतनी स्टिफ़ कंसिस्टेंसी का होता है भी नहीं है, बिल्कुल पानी पानी होता है। ये देखिए कितना ही स्मूथ और क्रीमी रिच टेक्सचर है इसका। होममेड क्रीम चीज़ इज़ द बेस्ट आई गेस, और इसका रिजल्ट और इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। इसको जो है आप चाहें तो फ्रीज़ कर दें, मैं भी इसको ऐसे ही कवर करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मुझे इस वीक में इस्तेमाल करना है। और अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर दें, और जब भी यूज़ करना तो पहले कुछ देर के लिए निकाल के इसे फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र से, और फिर इस्तेमाल करें और इंजॉय।